पंजे मनो बकारा में, काम क्रोध लो मोह अहंकार में दुनिया नु पागल कर रख्या है। बौरियां दी तरह तोर रहे हैं, ये बवा दी तरह अंदर फैलते हैं। जीव नु अज्ञानता दे डूंगे खड्डे विच गेर दिंदे हैं। ये बड़े चरित्रा भरे लारे लाउंदे हैं, लोभ लालच दे विच फसा दिंदे हैं, और आखिर इंसान दी सारी पूंजी लुट लेंदे हैं। नाम दी तरफ आउण नहीं दिंदे। कबीर साहब कहिंदे हैं, ना कामी भगती कर सकदा है, ना क्रोधी ना लालची। कोई सूरमा आदमी इन्हां तों हटके ही, बहादुर आदमी इन्हां नाल मुकाबला करके ही भगती कर सकदा है। महात्मा सानू दसदे हैं, इन्हां तों असीं तदी बच सकदे हैं जे अपने फैले हुए ख्याल नूं तीसरे तल दे विच लियाईए, सिमरन दे जरिए। और जद असीं सुरत दीआं सारीआं तारां शरीर दे विचों समेट लैंदे हैं, तीसरे तल ते एकाग्र हो जांदे हैं, फिर ही असीं इन्हां तों बच जांदे हैं। परमात्मा ने साडे अंदर बेशुमार नाम दे खजाने रखे हुए हैं, लेकिन उन्हां खजानिआं नूं असीं अपने आप प्राप्त नहीं कर सकते। जिन्ना चिकर पूरे सतगुरां नाल असीं पूरी मुहब्बत प्यार नहीं कर सकते, वो सिरजणहार परमात्मा साडे अंदर शब्द रूप होके बैठा है। साडे ओ सूरमे बहादुर सतगुरु प्यार दे योग हुंदे है, जिन्हां दा तन तां इस दुनिया दे विच कैद है, आत्मा करके वो आजाद है। आत्मा उन्हां दी परमात्मा दे नाल मिली हुई है। भीखा साहब कहिंदे है, भीखा भूखा को नहीं सगी गठड़ी लाल, गिरे खोल ना जानी तां ते पए कंगाल। सो फैले हुए ख्याल नूं सिमरन दे जरिए तीसरे तल ते एकाग्र करना है। ये साडे घर दा बूहा है, साडे सफर दी शुरुआत इथों ही हुंदी है। मन नूं हमेशा शांत रखना है, अभ्यास नूं कदे भी बोझा समझ के ना करो। हाँ भाई।